अस्सलाम वालेकुम। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और मुझे कुछ स्टूडेंट्स हैं वर्कशॉप के, उन्होंने कहा था कि हमें किसी को बताना है तो आप ज़रा एक जामे सी वीडियो बना दीजिए इसके ऊपर। तो मेरी कोशिश है कि मैं इसमें सारी चीज़ें कवर कर लूँ। ये मेरी बुक है पॉपुलेशन एजुकेशन की, 6573 इसका कोड है और बेसिकली ये असल में कोर्स ऑफ़र होता है एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट वालों को, लेकिन ये इन्होंने दो कोर्सेज हमें भी दे दिए इस फाइनल सेमेस्टर में, एक पार्ट वन है और एक पार्ट टू। तो बेसिकली जब ये आपके पास पूरा लिफाफा आएगा, उसका पैकेज आएगा पार्सल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, तो उसमें इसकी तरह की एक किताब और होगी, और अगर आप एमए एजुकेशन कर रहे हैं तो दो किताबें आपकी फिर एमए एजुकेशन की होंगी। अच्छा, इसमें जब आप इसको खोलेंगे तो इसमें अंदर से ये इस तरह के असाइनमेंट निकलेगी, असाइनमेंट नंबर वन और असाइनमेंट नंबर टू। अब आपने असाइनमेंट्स करनी कैसे, आपने बेसिकली क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आपने उस जैसे अक्सर ये होता है, ये मैंने देखा है एक आम चीज़ है कि जो क्वेश्चन वन है वो क्वेश्चन यूनिट नंबर वन से होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ भी है कि असाइनमेंट नंबर वन जो यूनिट वन टू फाइव को कवर कर रहा है और क्वेश्चन टू जो है वो यूनिट टू को और इसी तरह सो एंड सो फोर्थ। अच्छा, उसके अलावा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको वो चीज़ उस बुक में से ना मिले, तो आपको टॉपिक का जो मेन कहना चाहिए कीवर्ड होते हैं जैसे वो गूगल पे सर्च करने पड़ते हैं, तो आपको वो अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं होगा, अगर आप उर्दू में कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि आप कुछ इंटरनेट से अखज़ कर पाएंगे कि नहीं। अच्छा, एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये किस तरह का एक फॉर्म आता है वो आपने फिल करना होता है, ये तो बहुत आसान है, सारी चीज़ें आपने इसमें लिख देनी है, सब समझ में आ रहा है। कोर्स का नाम जो है, कोर्स का नाम जैसे मैंने बोला पॉपुलेशन एजुकेशन नंबर वन, इसी तरह ही लिखना पड़ेगा आपको, और जहाँ पे ये कोर्स कोड आ रहा है तो वो आपने कोर्स कोड में 6573 कर देना है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने इसमें मश्क नंबर यानी कि असाइनमेंट नंबर कौन सी है, 1 2 वो लिखना है, उसकी तारीख जो है आपको ट्यूटर लिस्ट मिलेगी उसमें, आपको उसमें बताया जाएगा कि ये फर्स्ट असाइनमेंट आपने कब तक भेजनी है, उसकी तारीख डालें कि यानी कि इसकी जो एक्चुअल डेट है कि कब तक उनको मिल जानी चाहिए, और जब आप भेज रहे हैं वो तारीख डालते हैं, फिर इधर आपने अपना साइन कर देना है। उसके अलावा यहाँ पर ट्यूटर्स की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब अगर ये 2019 स्प्रिंग है तो सेमेस्टर आपका 2019 बाहर बनेगा, तो ये दो नीचे क्रॉस कर देंगे आप, बाकी चीज़ें आपने नहीं टच करनी है, ये तो बिल्कुल बेसिक्स ही है। अच्छा, एक चीज़ और इसके अलावा मैं बता दूँ, मैंने तो खैर कभी भी जो अवेलेबल असाइनमेंट्स मिलती हैं मार्केट से उससे काम नहीं किया है, ना मैंने उससे तैयारी की है कभी, और इस दफ़ा सिर्फ मैंने मंगा के ये देखा है कि कितना फ़र्क होता है एक प्रोफेशनल जो कंपोजिंग करते हैं आंसर्स की उसके मुकाबले में, और एक स्टूडेंट जो करता है उसके मुकाबले में। तो मैंने देखा है अक्सर क्वेश्चंस के आंसर गलत है, तो मैं तो ये कहूँगी कि कभी आप इस पे मत जाएं, ये मैं अपनी दोस्त को भी बताऊँगी कि इसमें से तैयारी ना करें, और अगर इसमें से इन्होंने असाइनमेंट बना के भेजें तो फिर पता नहीं कितने मार्क्स उनके आएंगे, क्योंकि उनके अक्सर मार्क्स बहुत कम आते हैं, बल्कि एक असाइनमेंट में तो वो फेल भी हैं, उसकी शायद यही वजह है कि उन्होंने इस तरह के असाइनमेंट्स जो रेडीमेड मिल जाते हैं शॉप से उससे तैयारी की है। शुक्रिया।